देखिए यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे पिज्जा बन चुका है, ऊपर में चिकन फ्राई हो चुका है, चिकन रोस्टेड यहाँ पे हो चुका है। तो अभी मैं ये सबको अभी नाश्ता में दूंगी और हम नाश्ता में कुछ दूंगी वो दिखाने वाली हूँ। यहाँ देखिए ये स्माइली, ये है देखिए चिकन तंदूरी सीख कबाब, और यहाँ पे देखिए चिकन हॉट एंड स्पाइसी सीख कबाब। देखा तो हमने ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके सबको खिलाऊंगी। अभी नाश्ता ये चाय के साथ, सर्दी के टाइम पे चाय के साथ मजेदार नाश्ता कैसा लगेगा आप लोगों को देखिए। देखिए यहाँ पे स्माइली को फ्राई करते हुए, ये हम स्माइली को फ्राई कर रही हूँ। तो ये जो भेज है ये भेज वालों के लिए, मगर हम लोग कोई भेज है ही नहीं, मगर ये भी खाएं। मगर आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग जो भेज है ये आप लोगों के लिए है। आ जाइए मेरे घर में चाय के साथ, मैंने ये खिलाऊंगी आप लोगों को। देखिए है ना अच्छा, ये है स्माइली आज चाय के साथ नाश्ता। ये अलग से सीख कबाब है जो अभी फ्राई कर रही हूँ, और ये दोनों देखिए फ्राई हो चुका है, इसको अभी हम पीसेस करेंगे। इसको पीसेस करके ये देखिए स्माइली हमने सबको दे दिया स्नैक्स में, अभी इसको पीस करूंगी, इसको भी दूंगी। और मैंने जो चिकन फ्राई बनाई हूँ यहाँ पे ओवन में, वो भी निकाल के सबको दूंगी। हाय गुड मॉर्निंग, देखिए आज मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है ये। देखिए ये देसी अंडा है, देखा इसका कुसुम, देखिए एकदम ऑरेंज कलर का है। और ये दो तरह के सीख कबाब है, ये स्माइली है और ये अंडा बॉयल है, और यहाँ पे चाय है। और देखिए ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट, सीख कबाब, स्माइली एंड देसी अंडे और गर्मा गर्म चाय। ये सर्दी के टाइम पे ये ब्रेकफास्ट बहुत हेवी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो जरूर खाइए, एंजॉय कीजिए ये ब्रेकफास्ट खाते हुए।